लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 18B दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा. क्वेश्चन नंबर 10th इज फाइंड द पी वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6. फ्रेंड्स हमें मीन दे रखा है 16.6 और उसका हमें पी की वैल्यू निकालनी है. राइट फ्रेंड्स, अब देखिए हमें एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है. राइट, एक्स क्या है, 8 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 16 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 20 है, पी की फ्रीक्वेंसी 24 है और 20 की फ्रीक्वेंसी 16 है और 25 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 30 की फ्रीक्वेंसी 4 है. राइट, अब हमें एफ एक्स निकालना है. एफ एक्स निकलता था एफ इंटू एक्स, तो 8 इंटू 12 दैट इज 96. 12 इंटू 16 यहां कर लेते हैं, 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 6 टू जो 12, 6 वन जो 6 एंड 7 2 एंड 1, तो ये आ गया 192. एंड 15 इंटू 20 That is 300. P into 24. That is 24P. 20 into 16. That is 320. 25 into 8. That is 200. Right? 30 into 4. That is 120. Now, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू कित निकालना है हमें और सिग्मा एफ निकालना है. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कुछ नहीं था, इधर था. राइट, तो ये वाली वेरिएबल हमें नहीं लिखना है, तो प्लस 24p यहाँ पे सारा ऐड करना है. देखिए 2 एंड 6 इज 8, 4, 8 प्लस 4 इज 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 0, 3 carry. 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 आ गया. अब इसको ऐड करते हैं, 6 plus 2 is 8, 8 आ गया, 9 plus 9 is 18, 19, 20, 21, 22, 2 carry. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. राइट, अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आ गया 16.6 इक्वल्स टू 1228 प्लस 24p अपॉन 100. राइट फ्रेंड्स, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16.6 इंटू 100 इक्वल्स टू, एज इट इज लिख रही हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, 24p. तो ये कितना आ गया, देखिए पॉइंट था, एक 10 लगाया, 0 से 0 डायरेक्ट भी हटा सकते थे, तो ये आ गया 1660 इक्वल्स टू 1228 प्लस 24p. तो p वाली वैल्यू तो उधर ही रह गई 24p, ये इधर आ गया 1660 माइनस 1228, तो ये कितना आ गया 24p इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3 एंड 6 में से 2 गया 4. तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 432 अपॉन 24. 2 12s आ, 2 2s आ 4, 2 1s आ 2 एंड 6. 6 2s are 12 and 6 3s are 18, 6 6s are 36, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. So P kitna aa gaya? 18 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.